बच्चों लोग इस सेशन में हम लोग सीखेंगे फास्फोरस के बारे में, यानी इसके कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, ध्यान है ना। सबसे पहला पॉइंट था कि फास्फोरस का एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होता है। तो बोला गया है कि फास्फोरस का तीन एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। ठीक है, तीन क्या, मोर देन थ्री होता है। ठीक, लेकिन जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तीन तीन आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फास्फोरस इज फाउंड इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म, जिसमें से तीन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, ध्यान में ना। यानी हम जब बात करेंगे फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस जो होता है इसका तीन फॉर्म पॉसिबल है। जो फॉस्फोरस है उसका तीन फॉर्म पॉसिबल, एक है व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, एक है रेड फॉस्फोरस और एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक, तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है P4। क्या होता है? P4। और व्हाइट जो फॉस्फोरस है वो सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म एग्जिस्ट करता है, यानी इसका डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, यानी जो P4 है उसका फिगर कैसे बनाओगे, तो आप ऐसे सोच सकते हो, ये सारा फॉस्फोरस आपस में क्या होता है, लिंक होता है। ठीक है, तो ये सारा आपस में लिंक हो जाएगा, यानी एक कैसा फिगर बना रहा है, तो बना रहा है टेट्राहेड्रॉन। आप लोग मैथमेटिक्स से पढ़े हो 9th में, टेट्राहेड्रॉन, एक टेट्राहेड्रॉन फिगर बनने वाला है। ठीक है, यानी इसमें चार इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चार इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। ठीक है, अगर इसे पूछोगे कि इसमें एंगल कितना होगा अंदर का, तो जो अंदर का एंगल होता है 60, यानी सारे एंगल क्या 60 डिग्री का है, चूंकि 60 डिग्री का है, और तो इसमें स्ट्रेन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ये फिगर क्या होता है, हाईली स्ट्रेन होता है। क्या होता है? हाईली स्ट्रेन होता है, हाईली स्ट्रेन। ठीक है, तो ये अपने स्ट्रेन को क्या करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। स्ट्रेन को क्या करना चाहता है, तो ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये अपने स्ट्रेन को मिनिमाइज करना चाहता है, यानी ख़त्म करना चाहता है। इसलिए क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, इज हाईली रिएक्टिव, इज हाईली रिएक्टिव। क्यों? ड्यू टू हाई स्ट्रेन, ड्यू टू हाई स्ट्रेन। ठीक है, क्या को समझना चाहिए, क्योंकि देखो P3 सिंगल बॉन्ड बनाया हो ना, तो सारा का सारा P3 सिंगल बॉन्ड है और एक लोन पेयर सब पे है। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन को सोचेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, SP3 होना चाहिए था। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन होता है तो एंगल 60 तो नहीं होता ना, एंगल 90, 100 के या 120, 105 के रेंज में होगा। जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया में क्या होता है, तीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा और लोन पेयर होता है, तो एंगल कितना होता है, 107 के आसपास। तो यहाँ पे एंगल भी क्या होना चाहिए, 107, 105 ऐसा कुछ रेंज में होना चाहिए था, बट एंगल पहुँचा दिया अब 60 पे, जितना होना चाहिए था उसे काफ़ी कम कर दिया, होता क्या होगा, इसमें स्ट्रेन आ जाएगा और अपने एंगल को बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, बढ़ाने का तरीका क्या है, अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा। बढ़ाने का तरीका क्या है, बॉन्ड को ब्रेक करा तभी तो बढ़ेगा ना, बॉन्ड अगर बना रहेगा तो बॉन्ड इस एंगल का स्ट्रेन खत्म कैसे होगा। तो पॉइंट क्या है कि अपने बॉन्ड अपने एंगल स्ट्रेन को घट को रिमूव करने के लिए ये क्या करेगा, तो ये अपने बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, मतलब यानी क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने लिखा हुआ NCERT में, तो उसने फिगर का फॉर्म बता दिया आपका। तो ध्यान है ना कि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है एक होता है ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी का हम बात कर रहे हैं। ठीक, ये पॉइजनस होता है, वाटर में सॉल्युबल होगा, बट जो आपका कार्बन डाइसल्फाइड है उसमें सॉल्युबल होता है, क्योंकि P4 कैसा होता है, नॉन पोलर कहाँ घुलेगा। तो आप लोग पढ़ो ना, लाइट इज ऑल लाइक, आप लोग पढ़ोगे लाइट इज ऑल लाइक, यानी क्या होगा, P4 कहाँ डिजॉल्व करेगा, तो P4 डिजॉल्व करेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो CH2 कैसा सॉल्वेंट होता है, ये भी क्या होता है नॉन पोलर, ये भी क्या होता है नॉन पोलर, इसलिए इसमें घुलेगा, इसलिए इसमें घुलेगा। ठीक है, प्लस क्या होता है कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो डार्क में क्या होता है, ग्लो करता है, वो डार्क में क्या होता है, ग्लो करता है। ठीक, तो ग्लो इन डार्क, और डार्क इसका इसके भी यहाँ जो केमिकल फेनोमेना है उसको बोलते हैं केमी ल्यूमिनेसेंस, इस फेनोमेना का नाम होता है। ठीक है, तो ये फेनोमेना आपको जानना नहीं है, मतलब ये हायर क्लास में पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है,
तो आपको बस जानना है कि हाँ जो डार्क में ग्लो करता है फॉस्फोरस, उसके बिहाइंड जो केमिकल फिनोमेना उसका नाम क्या है, तो केमी ल्यूमिनेसेंस, ठीक है, इसको आप याद रखना थोड़ा सा। अब ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है ना इसका, अब इसको अगर रियल लाइफ से लिंक करो तो यार जहाँ पे डेड बॉडी को बर्न किया जाता है ना, या फिर जहाँ, तो वहाँ पे देखोगे तो कभी 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 लोग बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ अपने आप जलते रहता है, ठीक है। तो होता है कि हम लोग का ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉस्फोरस का कुछ ना कुछ अमाउंट होता है, तो जब डेड बॉडी को बर्न करके छोड़ दिया जाता है तो तुम्हारे वहाँ पे उस एरिया में कहने की फॉस्फोरस एटमोसफेयर में होता है पी4 मॉलिक्यूल्स, और जो पी4 मॉलिक्यूल्स है ये ड्यू टू दिस फेनोमेना ये क्या करता है, डार्क में ग्लो करता है, ठीक है। तो बहुत उसके बिहाइंड जो केमिकल रीजन है केमिस्ट्री का, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये रहेगा उसके बहन का रीजन। अब ध्यान देना, जब बात करते हैं हम रिएक्शन का, तो ये बॉइलिंग एनओएच में क्या होता है, डिजॉल्व कर जाता है, यानी बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, तो एनओ जरूरी नहीं है, होना चाहिए ओएच माइनस, क्या होना चाहिए ओएच माइनस, ओएच माइनस रहेगा और उसको बॉयल करोगे हीट, यानी हॉट हॉट बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, घुल जाएगा इन इनर्ट एटमोसफेयर, तो एटमोसफेयर में क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, ठीक है, तो होगा। तो बेसिकली इसमें एक ही चीज़ बताया होगा ना, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये आपको याद रखना है। तो व्हाइट फॉस्फोर का जो रिएक्शन है पी4 जो होगा, अगर ओ एच माइनस, ठीक है, मीडियम होना चाहिए हॉट एंड इनॉट, तो क्या होता है, एक कन्वर्ट होता है PH3 में और कन्वर्ट होता है H2PO2- में, ठीक है, ये ध्यान देना आप। तो जो P4 होता है ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये जो ये कहाँ से आया हुआ था, ये आया हुआ बेसिकली ये आया हुआ इससे H3PO2 से आया हुआ है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड से आया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि सॉल्यूशन बेसिक होता है तो आपको पता है कि H3PO2 का फेयर कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, इसमें एक ही एच बाहर निकलने वाला है, इसमें एक ही एसिडिक एच है, कौन सा एसिडिक एच है, ये वाला आपका एसिडिक एच है, वो बाहर निकल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाहर निकलेगा क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन है, इसलिए यहाँ पे इसको लिखते हैं हम लोग H2PO2- लिखते हैं, क्या लिखते हैं, H2PO2- लिखते हैं, ठीक है। तो ये रहता है आपका यार, तो यहाँ पे जो P4 है बेसिक सॉल्यूशन में क्या बनेगा, PH3+H2PO2- बनेगा, H2PO2- क्यों बना, क्योंकि जो H3PO2 फॉर्म करने वाला है बेसिक सॉल्यूशन में अपने एच को लूज कर जाएगा और बनाएगा H2PO2-, ठीक। ये होता है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, यहाँ पे फॉस्फोस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या 0 है, यहाँ पे क्या -3 है और यहाँ पे क्या है +1 है, तो सेम फॉस्फोस ऑक्सीडेज ऑक्सीडाइज हुआ है और सेम फॉस्फोस फॉस्फोस क्या हुआ है, रिड्यूस हो रहा है, ये हो रहा है आपका डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, तो ये रहेगा। तो इतना ध्यान देना आप लोग, ठीक, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है ना, इसमें देखो तो ये जो माइनस है, माइनस को बैलेंस करने के लिए आपके एनचेट में कौन सा बेस यूज किया गया, एनओएच, तो एनओएच का कटायन क्या होता है, सोडियम, तो सोडियम क्या, तो उसको बैलेंस करने के लिए देखो सोडियम लिख दिया है, तो आप सोडियम लिखो नहीं लिखो चलेगा, ठीक है। ये सोडियम क्यूब इसमें निगेटिव था, निगेटिव को बैलेंस करने के लिए सोडियम आया हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो आपको रिएक्शन को इसको याद करना है P4+OH- वाला, क्योंकि अगर मान लेते हैं बेस चेंज कर दिया, बेस में अगर बोल रहे हैं कैल्शियम डाल दिए हैं, कैल्शियम डाल दिए हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा, यानी उस केस में क्या बनेगा, तो आपका बनने वाला था H2PO2- बनने वाला था और कैल्शियम रहेगा, तो कैल्शियम रहेगा तो कैल्शियम अगर कटायन होगा तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, कैल्शियम H2PO2 ऐसा बन जाएगा। तो ये है, इसलिए आप इसको याद रखोगे ना कि इसको भी तो याद करना ही करना, पता ये सोच के चलना है, ठीक है। तो अगर ये इसका अगर इश्यू जस्ट बताएं उसको याद कर लोगे तो लिखना आसान हो जाएगा, प्लस आपको बैलेंसिंग करना आना चाहिए, आपको बैलेंसिंग करना आना चाहिए, तो बैलेंस करके ही आपको रेशियो को समझाना है, ठीक, ये रहेगा। अब ध्यान देना व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है, अनस्टेबल होता है, हम बता चुके क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसके पास एंगल क्या है, 60 डिग्री है, आपको यहाँ पे एंजल में भी लिखा हुआ एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, रिएक्टिव होगा देन द अदर 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 फेजेस, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि अपने स्ट्रेंथ को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है, तो ये बहुत इजीली क्या होता है एयर में, क्या होता है बहुत इजीली बर्न करता है, तो P4+O2 से क्या बनेगा, तो P4O10 फॉर्म कर जाता है, P4O10 फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। और जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है
वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह होता है, मतलब उसमें चार फॉस्फोरस अलग अलग लिंक होता है, इसका मतलब समझो जो डिस्क्रीट का बात कर रहे हैं, तो ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है, तो व्हाइट फॉस्फोरस में क्या होता है कि आपका जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोई लिंकेज नहीं है, यानी सारा 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 सार अलग अलग है, ये अलग हुआ ये अलग हुआ ये अलग हुआ, यानी सारा फॉस्फोरस का जो टाइप है, यानी P4 जो मॉलिक्यूल है वो डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कोई लिंकेज नहीं है। ये हुआ सारा इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाइट फॉस्फोरस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग रेड फॉस्फोरस पे, ध्यान देना। अगर हम बात करें रेड फॉस्फोरस का, तो रेड फॉस्फोरस क्या होता है ध्यान दोगे, रेड फॉस्फोरस होता क्या, क्या आपको पता है कि व्हाइट फॉस्फोरस क्या है, इस तरह का फिगर बना हुआ है, इसमें व्हाइट फॉस्फोरस में क्या है, स्ट्रेन ज्यादा है, स्ट्रेन ज्यादा है, ठीक, स्ट्रेन ज्यादा है। तो ऐसा बहुत सारा व्हाइट फॉस्फोरस होगा, ऐसा बहुत सारा व्हाइट फॉस्फोरस होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि अपने स्ट्रेन को मिनिमाइज करने का तरीका क्या होता है, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, अपना बॉन्ड तोड़ना चाहता है सब, ठीक। तो बॉन्ड तोड़ेगा तो ध्यान देना, बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या होता है कि सारा जो फॉस्फोरस है वो आपस में लिंक करते जा सकता है। जैसे यहाँ देख, यहाँ पे मैंने पीछे में बैकग्राउंड में रेड कलर का बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो ऐसा बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा, तो होता क्या है कि रेड जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो अपने एक बॉन्ड को ब्रेक करता है, मान लो कि रेड जो रेड बॉन्ड बनाया है उसको हम ब्रेक करती है, ठीक। ब्रेक करें तो वैलेंसी खाली होगा, वैलेंसी खाली होगा, उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, ये आपस में लिंक करेगा, ये आपस में लिंक करेगा। तो देखोगे ये यहाँ से यहाँ लिंक कर गया, ये यहाँ से यहाँ लिंक कर गया, यहाँ से लिंक कर गया और ये यहाँ लिंक कर गया, तो ऐसे करके ये पॉलीमर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा, ये पूरा आगे चलते चला जाएगा। यानी इसको अगर सिंपल फॉर्म दिखाएं तो रेड फॉस्फोरस ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ से आ गया, ब्रैकेट में एन लगा देंगे, एन मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल जुड़ गया है, तो एक इस तरह का पॉलीमर बन जाएगा और इसको हम बोलते हैं रेड फॉस्फोरस, ठीक है। यानी व्हाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस में आपका स्ट्रेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो व्हाइट फॉस्फोरस से आप कन्वर्ट करते हो रेड फॉस्फोरस में, ठीक है। प्रोसेस में क्या होता है, आपका स्ट्रेन क्या हो रहा है, घट रहा है, क्यों, क्योंकि आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो आपको पता होगा कि अगर बॉन्ड ब्रेक करके स्ट्रेन मिनिमाइज हो गया तो क्या होगा, रेड फॉस्फोरस का जो रिएक्टिविटी होगा वो क्या होगा, व्हाइट से कुछ कम होगा, व्हाइट से कुछ कम होगा। तो वही चीज़ आप लिखा होगा ध्यान देना, तो आपके जो एनसीईआरटी में देखोगे तो इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि जो रेड फॉस्फोरस है कैसे मिलता है हम लोग को, रेड फॉस्फोरस हमको मिलता है बाई हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन इन एटमोसफेयर फॉर सेवरल वीक, सॉरी सेवरल डेज, मतलब काफ़ी दिन हीट करेंगे तो मिलेगा मेरे को रेड फॉस्फोरस। When red phosphorus is heated under high pressure, a series of phases of black phosphorus is formed. तो black phosphorus कैसे बनेगा? तो red phosphorus को तुम further heat करोगे तो बनेगा black phosphorus, ठीक है। अब ध्यान ना, जो red phosphorus होता है उसके पास iron grey luster होता है, इसको बहुत easy आप देखते होगे, आपका जो मैच स्टिक होता है ना, माचिस का डब्बा जो आप लोग किचन में यूज करते हो, ठीक है, उसमें रेड फॉस्फोरस होता है, उसमें रेड फॉस्फोरस होता है, ठीक है। उसका कलर आप लोगों को पता होगा तो ऑलमोस्ट है ना ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। तो इसलिए बोला कि आयरन ग्रे लस्टर इसमें आपको बोल रहा है कलर इसको, ठीक है। अब जो रेड फॉस्फोरस होता है वो ऑर्डरलेस होता है, नॉन पॉइजनस होता है, ठीक है, और इनसॉल्युबल होता है वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में भी नहीं घुलेगा, कहीं नहीं घुलेगा, क्योंकि ये तो पॉलीमर हो गया ना, इसमें एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, तो बहुत सारा मॉलिक्यूल का चेन है ना, इतना चेन को घोलना पॉसिबल नहीं है। मान लेते हैं कि आप छोटा सा चीज मॉलिक्यूल को घोल सकते हो, बड़ा सा चेन को आप नहीं घुल पाओगे, बड़ा सा चेन क्या होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि ये इनसॉल्युबल होगा, ना ही वाटर में इनसॉल्युबल होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। केमिकली रेड फॉस्फोरस जो होगा मच लेस रिएक्टिव होगा, ये हम बता चुके हैं, क्यों होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेन क्या होगा, घट जाएगा, प्लस ये डार्क में ग्लो नहीं करता है, तो डार्क में बस ग्लो कौन सा फॉस्फोरस करने वाला है, व्हाइट फॉस्फोरस, बाकी जो फॉस्फोरस जो भी होगा वो डार्क में ग्लो नहीं करेगा, ठीक। ये हो गया ऑल अबाउट व्हाइट रेड फॉस्फोरस, ठीक है। आपको फिगर बताने की कोशिश किया है एनसीईआरटी में, उसको देख लो आप एक बार, जो मैं जो बोला था, तो ये भी यहाँ पे लीनियर पॉलीमर ड्रॉ करने की कोशिश किया है।
ये हो गया आपका रेड फॉस्फोरस, ये पॉलीमेरिक होता है, कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक्ड टुगेदर इन अ मैनर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये हो गया अपना रेड फॉस्फोरस। अगर हम बात करते हैं चलो ब्लैक फॉस्फोरस पे, तो ध्यान देना ब्लैक फॉस्फोरस क्या होता है, ध्यान देना तो बात करना ब्लैक फॉस्फोरस पे, तो एक सेकेंड ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक आपको रेड फॉस्फोरस पता है, रेड फॉस्फोरस ऐसा होता है, इसमें एक बॉन्ड टूट चुका था, एक बॉन्ड इसको एम से दिखा दे रहे हैं ब्रैकेट लेके, ध्यान देना इसको जब हीट करोगे ना, इसको जब हीट करोगे तो हीट करोगे तो हाई प्रेशर मेंटेन करके हीटिंग करना हमको, हाई प्रेशर एंड हीटिंग, तो होता है कि यहाँ जो ये जो बॉन्ड है बीच एक, इसमें एक और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि इस बार हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है, इस बॉन्ड को क्लिप कर रहे हैं, ठीक, तो बॉन्ड को जब क्लिप करेंगे तो होगा क्या कि जो ब्लैक फॉस्फोरस बनने वाला है उसमें बीच उसमें एक और बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और इधर तो था ही प्लस ऊपर भी बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी पॉलीमर जो है नीचे इधर के हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल में ग्रो करेगा एक साथ, ये बनेगा आपका रेड फॉस्फोरस, ये हो गया आपका ब्लैक फॉस्फोरस, ये हो गया ब्लैक फॉस्फोरस फिगर, ये हो गया रेड, ये हो गया था रेड का, नीचे हो ब्लैक का, यानी इसमें क्या होता है जो बीच का जो बॉन्ड आपको दिख रहा था वो भी टूट के वर्टिकल में आपका पॉलीमर ग्रो करना स्टार्ट कर गया, जिस तरह से हॉरिजॉन्टल में चेन बना हुआ है वैसा चेन वर्टिकल में जाएगा, ये हो गया ब्लैक, और ब्लैक जो पॉलीमर होता है ब्लैक फॉस्फोरस है एक क्रॉस लिंक क्रिएट कर रहा है अपने लिए, क्रॉस लिंक क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इसमें स्ट्रेन क्या होगा, इसमें स्ट्रेन क्या होगा, मिनिमम होगा यानी मिनिमम होगा या तो ना के बराबर होगा, ठीक है, तो ब्लैक फॉस्फोरस जो होगा वो केमिकली अनरिएक्टिव होता है, केमिकली रिएक्ट नहीं करता और मॉस स्टेबल फॉर्म होता है, मॉस स्टेबल फॉर्म होता है आपके फॉस्फोरस का, मॉस स्टेबल जो एलोट्रॉप्स है वो क्या है, वो आपका ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक, तो ध्यान रखिए यहाँ पे लिखा भी होगा तो ब्लैक फॉस्फोरस हैज टू फॉर्म अल्फा एंड बीटा, ठीक, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्मड व्हेन द रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन अ सील ट्यूब एट 803 केल्विन, इट कैन बी सबलाइम इन एयर, यानी इसका सबलिमेशन पॉसिबल है, ठीक है, एंड हैज ओपेक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल, ये मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल जो वर्ड है ना ये है सॉलिड स्टेट से, जब सॉलिड स्टेट को लोग पढ़ोगे या पढ़ाएंगे तो उसमें देखना सॉलिड स्टेट चैप्टर में ये रोम्बोहेड्रल या मोनोक्लिनिक वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम होता है मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल, ठीक है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, तो जो ब्लैक फॉस्फोरस है उसको ऑक्सीडेशन करना पॉसिबल नहीं, यानी ब्लैक फॉस्फोरस एयर में ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, जो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस है इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 473 केल्विन अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, यानी जो अल्फा फॉर्म है अल्फा फॉर्म बनेगा रेड फॉस्फोरस से और बीटा फॉर्म बनेगा व्हाइट फॉस्फोरस से, ठीक है, इट डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन, यानी ये भी क्या होगा एयर में बर्न नहीं करेगा टिल सम पॉइंट एंड टिल 673 केल्विन तक बर्न नहीं करता है, ठीक है, ये रहेगा ऑल अबाउट फॉस्फोरस का एलोट्रॉप्स के बारे में, ठीक, अब ध्यान देना अब चलते हैं हम लोग फॉस्फोरस के कंपाउंड्स में, जो पहला कंपाउंड आपको पास है फॉस्फिन, क्या है फॉस्फिन, फॉस्फिन का मतलब क्या होता है बच्चे लोग PH3, क्या है PH3, तो फॉस्फिन जो होता है उसका प्रिपरेशन वो प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो ध्यान देना अगर फॉस्फाइड आयन होगा P-3 होगा इसको बोलते हैं फॉस्फाइड आयन, इसमें तुम डालेगा H+, तो H+ को एक्सेप्ट करके क्या बनेगा PH3 बन जाएगा, तो यही इसका लॉजिक है, तो ध्यान ना फॉस्फेट कैसे बनाया गया, तो पहला तरीका है जैसे देखो कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर कौन सा आयन होगा P-3, और इसमें H+ का सोर्स अलग है, तो H+ कहाँ से मिल सकता है, H+ हमको वाटर से मिल सकता है, H+ हमको HCl से मिल सकता है, या फिर हमको H+ किसी भी एसिड से मिल सकता है, तो कोई भी एसिड चलेगा, HCl हो HNO3 हो, ठीक है, या फिर H2O4 हो HI हो सब चलेगा, तो यहाँ पे जब डालोगे तो क्या होगा यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा
और जो पी माइनस थ्री है वो एचप्लस को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, पी एच थ्री बना देगा। ठीक है, तो वही चीज आपको दिख रहा होगा। लैब में कैसे बनाएंगे हम लोग, तो ध्यान रखना व्हाइट फॉस्फोरस जब हीट करते हो आप एनओएच से तो आपका बनता पी एच थ्री। ठीक है, इन इनर्ट एटमोसफेयर ऑफ सीओ टू, ये ध्यान देना कि जो इनर्ट एटमोसफेयर करने का हम बात कर रहे थे उसमें सीओ टू गैस को हम यूज करते हैं। ठीक, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पी फोर को आप जब भी हीट करोगे एनओएच के सोल्यूशन में यानी ओएच पांच के सोल्यूशन में इन इनर्ट एटमोसफेयर ऑफ सीओ टू तो आपका पी एच थ्री फॉर्म करता है। ठीक, अब ध्यान देना इसका अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी क्या, तो जब पी एच थ्री होता है इसका जो प्योर फॉर्म होता है वो कंबसेबल नहीं होता है, यानी होता है इट इज नॉन इनफ्लेमेबल। ठीक है, इट इज नॉन इनफ्लेमेबल। तो ध्यान दोगे कि प्योर, जब ये प्योर रहेगा पी एच थ्री तो क्या होता है, नॉन इनफ्लेमेबल होता है। बट इनफ्लेमेबल हो सकता है कब, जब इसमें कुछ इम्प्यूरिटी हो किसका, पी टू एच फोर का और फॉस्फोरस का वेपर यानी पी फोर वेपर रहेगा तो भी ये इनफ्लेमेबल हो सकता है। ठीक, अब बात कर रहे हैं कि इसमें इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए, इसमें इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए इसको एच आई में ऑब्जॉर्व करवाया जाता है। तो होता क्या है कि पी एच थ्री में तुम एच आई डालेगा, एच आई डालेगा तो क्या होगा, तो पी का लोन पे है जिसमें एच को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बनेगा, पी एच फोर आई बन जाएगा। जस्ट लाइक क्या होगा, एन एच फोर आई की तरफ। ठीक है, अब इसमें से दोबारा आपको पी एच थ्री निकालना है तो क्या करेंगे, इस पी एच फोर आई को फिर से ट्रीट करेंगे ओ एच माइनस है सर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे के ओ एच दिया गया, आपके एंसर में दिया हुआ है के ओ एच, तो उसको दिखा दे रहे हैं। तो के ओ एच देगा तो क्या होगा, आपका बनेगा पी एच फोर ओ एच बनेगा और प्लस के आई बनेगा। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि एन एच फोर ओ एच को हल्का भी हीट करने से क्या होता है, ये टूट जाएगा किसमें, ये टूट जाएगा एन एच थ्री में वाटर में। ठीक है, सिमिलरली इसी लॉजिक में हम बात कर सकते हैं कि अगर आपके पास पी एच फोर ओ एच होगा तो वही ब्रेक किस में कर जाएगा, पी एच थ्री में एन वाटर में। वही यहाँ पर हो रहा है कि जैसे आप पी एच फोर आई क्रिएट किए उसमें जब तुम के ओ एच डालोगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा पी एच थ्री में और किस में, पी एच थ्री में एन वाटर में। तो इस तरह से पी एच थ्री को रिकवर कर सकते हो, यानी आपका जो इम्प्योर पी एच थ्री था इस इम्प्योर पी एच थ्री को आप एच आई में डाल दिए तो आपका सॉल्व बना, बाकी इम्प्यूरिटी आप हटा दिए, वापस से पी एच थ्री गेन करेंगे क्या करोगे, डालोगे के ओ एच, तो आपका कहीं ना कहीं आपका पी एच फोर ओ एच बनेगा वो टूट के पी एच थ्री गैस दे देगा। तो गैस रहेगा तो गैस का प्योर फॉर्म आपको मिल जाएगा, आपको प्योर फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। जब बात करते हैं लोग प्रॉपर्टी का तो ध्यान देना, एक पी एच थ्री एक कलरलेस गैस होता है विथ रोटेन फिश स्मेल और ये हाईली पॉइजनस होता है। ठीक है, इट एक्सप्लोड्स इन कॉन्टेक्ट विद द ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। देखिए जैसे देखो एचएन थ्री है, सीएल टू एंड बीआर टू वेपर्स है, यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है उसके प्रेजेंस में एक्सप्लोड कर जाएगा। इसलिए यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर जो पी एच थ्री के सामने हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है उसको मत लेना। एचएन थ्री एसिड कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है, उसके प्रेजेंस में क्या होगा, एक्सप्लोड कर सकता है। ठीक है, इट इज स्लाइटली सोलबल इन वाटर, यानी वाटर सॉलिबिलिटी ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, सोल्यूशन पी एच थ्री इन वाटर डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फॉस्फरस एन एच टू। ठीक है, तो वाटर में का जो सोल्यूशन होता है पी एच थ्री का, वो क्या होता है, एक्सप्लोड कर सकता है और उसमें रेड फॉस्फरस बन सकता है, एन एच टू बनेगा, एन हाइड्रोजन बन जाएगा। वेन अब्सॉर्ब इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन या मर्करी क्लोराइड सोल्यूशन आपको मिलेगा फॉस्फाइड मिलेगा। एग्जाम्पल समझ, यहाँ पर कॉपर या मरकरी का सॉल्यूशन में अगर सॉल्ट में डालेंगे तो वापस हमको फॉस्फाइड मिलेगा। सो इसको कैसे आप याद रखोगे, ध्यान रखा, इन दोनों रेशो को याद करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। जैसे बात करें कि कॉपर सल्फेट में अगर हम डाल देंगे क्या पी एच थ्री तो क्या बनेगा, तो ध्यान देना आप इसको आयन में ब्रेक कर ले, आप एज्यूम कर ले कि इसमें कौन सा आयन मिलेगा, तो इसमें मिलेगा कॉपर प्लस टू रहेगा और सल्फेट है। सिमिलरली इसको भी आयनिक मान लें, ये कंपाउंड को भी आयनिक मान लें, आयनिक मानेगा तो क्या होगा, पी पे चार्ज आएगा माइनस थ्री और एच पे चार्ज क्या आएगा, प्लस रहेगा। ठीक है, अब सिंपली क्या करना, आयन का एक्सचेंज करना, आप सिंपली क्या करना, आयन का एक्सचेंज करना, तो कॉपर ले लेगा फॉस्फाइड को तो क्या बन जाएगा, सी यू थ्री पी टू बन जाएगा,
और सल्फेट जो है आप माइनस टू ले लेगा एचप्लस को, तो क्या बन जाएगा एच2एस4 बन जाएगा। तो इस तरह से आप रिएक्शन को याद कर सकते हो। देखो रिएक्शन आप देखो उस तरह से आपका बन जाएगा रिएक्शन, ठीक है। बस आपको बैलेंसिंग का देखना पड़ेगा, बाकी आप रिएक्शन को इस तरह सोच सकते हो। यानी आयनिक कंपाउंड मान के दोनों को आयन्स में ब्रेक कर देना और आयन का एक्सचेंज कर देना, आयन का एक्सचेंज कर दोगे, इस तरह से आप रिएक्शन को सोच सकते हो, ठीक है। सिमिलर नीचे वाले को देखोगे मरकरी वाले को, तो मरकरी वाले में आयन क्या क्या है, तो मरकरी वाले में आयन होगा मर्क्यूरी क्लोराइड होगा पास, तो इसमें आयन क्या होगा एच जी प्लस टू होगा, एन सी एल माइनस होगा, ठीक। और पास पी एच थ्री है, तो पी एच थ्री में आयन क्या क्या बोल सोच सकता हूँ, पी माइनस थ्री। अगर आयनिक इसको जूम कर लेते हैं तो पी माइनस थ्री होगा एच प्लस होगा, ये आयनिक नहीं होता, एक क्या तो कोवलेंट होता है, इसको हम आयनिक जूम कर रहा है। अब पी माइनस थ्री क्या होगा मरकरी के पास चला जाएगा, तो क्या होगा मर्क्यूरिक फॉस्फाइड हो जाएगा और एच सी एल बन जाएगा, ये हो जाएगा इसका रिएक्शन, ठीक। ठीक है, अब क्या बोला गया, जो फॉस्फिन होता है, ये फॉस्फिन क्या होता है वीकली बेसिक होता है, ठीक है, लाइक अमोनिया, इनकी फॉस्फोनियम कंपाउंड विद एसिड, जैसे मान लेते हैं पी एच थ्री प्लस एच बी आर होगा तो क्या बनेगा पी एच फोर बी आर बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान ना इसका यूजर पे चलते हैं, तो पी एच थ्री का यूजर देखो इंपॉर्टेंट अपने लिए, तो क्या बोला गया स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फिन, यानी फॉस्फिन जल सकता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फिन इज टेक्निकली यूज इन होल्म सिग्नल, इंपॉर्टेंट चीज है, यानी होल्म सिग्नल में इसका यूज किया जाता है। होल्म सिग्नल क्या होता है, आई थिंक आप देखोगे जो जो सीख जो समुद्र का जहाज सब होता है ना बड़ा बड़ा, उसमें सिग्नल के साइज का यूज किया जाता है, तो होम सिग्नल आई थिंक उसे बोला गया, ठीक है। तो होम सिग्नल का यूज किया जाता है। कंटेनर कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड प्लस कैल्शियम फॉस्फाइड का जो कंटेनर होता है उसको अगर तुम पियर्स कर दोगे और उसमें उसको डाल दोगे किसमें, सी में, ठीक है। तो जब गैस उसमें से निकलेगा ना, ठीक है, तो ये बर्न करके आपको सिग्नल की तरह यूज करेगा। यानी सिंपल सा बात है कि जिस कंटेनर में कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड है उसको तुम पियर्स करके डाल दो पानी में, ठीक है। तो पानी में जैसे पानी में कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसमें आयन क्या है, इसमें आयन सी टू माइनस टू है, ठीक है, और इसमें आयन क्या है पी माइनस थ्री आयन है। तो ये पानी का एच प्लस लेके क्या बनेगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यानी इथाइन गैस बनेगा, और ये कौन सा गैस बनेगा पी एच थ्री गैस बनेगा, और एटमोसफेयर से रेड करके एटमोसफेयर में रेड करके ये इसका बर्निंग होना स्टार्ट करेगा। तो जब बर्न करेगा तो आपको एक सिग्नल की तरह इसको आप दे सकते हो, तो यही आपका होम सिग्नल है, यही आपका होम सिग्नल, ठीक है। इसके लिए ध्यान देना, इट इज ऑल्सो यूज इन स्मोक स्क्रीन, इसको थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना स्मोक स्क्रीन होता क्या है, ठीक है। ये रहेगा आपका इसका यूजेस, ये हो जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन और पी एच थ्री। चलते हैं कुछ क्वेश्चन कर कवर कर लेते हैं हम लोग, ध्यान देना। तो यहाँ बोला हुआ है, पहला आपको कुछ एग्जांपल है, इन व्हाट वे कैन इट बी प्रूव दैट पी एच थ्री इज ए बेसिक इन नेचर। तो आप सिंपल एक रिएक्शन दे देना, पी एच थ्री प्लस एच आई या पी एच थ्री प्लस एच बी आर क्या बनेगा, पी एच फोर आई या पी एच फोर बी आर बन जाएगा। इसमें क्या होता है, क्योंकि फॉस्फोरस लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या करेगा एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा, उस लोन पेयर को देख के एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या होगा पी एच थ्री क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो पी एच थ्री एक्टिंग एज ए लेविस बेस इन द एबव रिएक्शन, ठीक, इससे हम सोच सकते हैं, ठीक है। अब बोला गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, एक इंटरेस्ट क्वेश्चन ध्यान देना, इंटरेस्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, क्या पूछा हुआ है कि बॉन्ड एंगल पी एच फोर का ज़्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू पी एच थ्री, ठीक है। बॉन्ड एंगल इन पी एच फोर इज हायर देन दैट ऑफ पी एच थ्री, वाई, तो ध्यान देना इसका रीजन समझोगे आप। जब यार पी एच थ्री जो होता है ना, पी एच थ्री में एक लोन पेयर होता है ऊपर में, तो लोन पेयर जब होगा तो क्या होगा, तो ये लोन पेयर रिपल करेगा इस बॉन्ड पेयर को, तो जो थीटा है, थीटा होना चाहिए था कितना, एक्सपेक्टेड थीटा था
कितना 190.28 मिनट। देखिए इस रिपल्शन कारण लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन कारण क्या होगा, आपका एंगल कंप्रेस करेगा, एंगल जो होगा डिक्रीज करेगा, थीटा क्या डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कब बोर्ड में लिखने का तरीका। आपको जो कॉम्पिटिशन में ध्यान देना, आप लोग पढ़े हो गए कि पी एस थ्री में क्या होता है, ड्रैगो रूल अप्लाई करना होता है, यानी इसको बोलते हैं नो हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? नो हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो आपका जो थीटा होता है, ये थीटा होता है क्या होता है, क्लोज टू 90 डिग्री होता है, क्लोज टू 90 डिग्री होता है, तो थीटा काफ़ी कम हो गया, ठीक है। क्यों? ड्यू टू नो हाइब्रिडाइजेशन। बट ये इस आंसर को आपको बोर्ड में नहीं लिखना है, बोर्ड के लिए मैं नहीं बोल रहा आपको, इसको बोर्ड में यूज नहीं करना है इस आंसर को, ठीक है। तो बोर्ड में आप जो आप लोग एंसर में लिया उसी को यूज करोगे। ड्यू टू लोन पर रिपल्शन थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा, तो कमेंट हम नहीं किए हैं, कमेंट इसका जो एंगल होता है जो 90 के पास चला जाता है ना, आई थिंक एंगल 92 या 93 के आसपास होता है, तो उस एंगल का वैल्यू अगर याद रहेगा तो लिखना, नहीं याद होगा तो थीटा बस बोलना कि थीटा डिक्रीज कर जाता है, कितना डिक्रीज करता है अगर नहीं याद तो मत लिखना। अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट आया तो भी लिखना, इन्फॉर्मेशन करेक्ट याद नहीं हो तो आपका आंसर में इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड थीटा कितना इतना था और थीटा इसमें डिक्रीज कर गया। अब होता क्या है कि जब पी एच थ्री पी एच फोर बनेगा ना, पी एच थ्री से जब पी एच फोर बनाते हो, आपका लोन पे तो कंज्यूम हो गया प्रोसेस में, यानी इसमें कोई लोन पे नहीं है और इसमें चार बॉन्ड बना हुआ है। चार बॉन्ड जब बना हुआ है तो यार चार बॉन्ड जब अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करेगा तो कौन सा ज्योमेट्री को अक्वायर करेगा, टेट्राहेड्रल फेयर को जो अक्वायर करेगा, और जब टेट्राहेड्रल फेयर को अक्वायर करेगा तो एंगल कितना होगा यहाँ पे थीटा, तो थीटा हो जाएगा 190.28 मिनट, ठीक है। इसमें जो कि लोन पर नहीं है तो यहाँ पे क्या सारा सारा बॉन्ड पर है, और सारा सारा बॉन्ड पर क्या होगा, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को अक्वायर कर लेगा, जिसका एंगल होगा 190.28 मिनट। इसलिए पी एच फोर प्लस का एंगल हाई होता है एज कम्पेयर टू पी एच थ्री, ठीक है। तो आप ऐसा बोल देना, ठीक है। अगला पॉइंट बोला हुआ है कि व्हाट हैपन व्हेन द व्हाइट फॉस्फोरस इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड एनओएच सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमोस्फेयर ऑफ सीओ टू, ठीक है। यार आपको तो मैं बता चुका हूँ कि क्या बनता है, उसमें पी एच थ्री बनता है और H2PO2- बनता है, वही काम है आप लिख के दिखा देना। तो यहाँ पे सोडियम कर देना और बैलेंस करना रिएक्शन को, बैलेंस कर देना रिएक्शन को, ठीक। ये हो जाएगा ऑल अबाउट पी एच थ्री, ये होगा ऑल अबाउट पी एच थ्री, ठीक है।